बच्चों की हथेलियां रगड़ते परिजन और चारों तरफ फैली अफरा तफरी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मदारीपुरवा गांव की हैं, जहां टीका लगने के बाद एक दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए। वो ठंड लगने और चक्कर आने की शिकायत के साथ बेहोश होने लगे। आनन फानन में उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर टीका लगने से बच्चों के घबरा जाने को उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह बता रहे हैं। कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि उनको चक्कर आ रहा है, तो उन बच्चों को हमारे डॉक्टर साहब, अधीक्षक साहब वहाँ जा कर के यहाँ पर लेके आ गए। लेकिन मूल बात ये रही कि जो बच्चों को टीका लगाया जा रहा था, तो अन्य बच्चों को भी देखने को मिला, जो देख करके बच्चे जो डर गए, और कुल मिलाकर के वो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है। मैंने सारे बच्चे अपने आप देखे हैं अस्पताल में। सरकारी टीकाकरण अभियान के तहत 9 साल से 15 साल के बच्चों को खसरा और रूबेला का टीका लगाया जा रहा है, लेकिन इससे दूसरे जिलों में भी बच्चों की तबीयत बिगड़ने के मामले सामने आए हैं। बीते हफ्ते श्रावस्ती के लियारनपुरवा उच्च प्राथमिक विद्यालय में टीकाकरण के बाद 6 बच्चों को सरदर्द, बुखार और ठंड जैसी शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 5-6 बच्चे थे जिनको ठंड लगने की शिकायत थी, सभी ठीक है, उसमें है पूर्ण रूप से ठीक है, कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है उनको, और बाकी बच्चों को भी वहाँ टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं परिजनों की चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में लोगों के बीच टीकाकरण अभियान को लेकर कोई गलतफहमी न फैले, इसलिए इस अभियान को चिकित्सकों की उचित देखरेख में चलाए जाने की जरूरत है। लखीमपुर खीरी से शारिक खान और श्रावस्ती से पंकज वर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।